मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बीजेपी की ही रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस बीजेपी में बड़ी सेंधमारी की कोशिश में है। कांग्रेस की नजर सत्ताधारी दल से नाराज नेताओं पर है, खासकर सिंधिया समर्थक मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी से लाकर ही प्रत्याशी चुनाव में उतारने की प्लानिंग कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के ही नेताओं को कांग्रेस में लाकर चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस की ये प्लानिंग भी है कि बीजेपी अगर उपचुनाव हार चुके सिंधिया समर्थक मंत्रियों को टिकट देगी तो उनके खिलाफ भी मजबूत और दमदार उम्मीदवारों को उतारा जाए। कुल मिलाकर सिंधिया समर्थकों के खिलाफ कांग्रेस बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के कई नेताओं का कमलनाथ दिग्विजय के संपर्क का दावा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की चुनाव तैयारियों में दोहरी भूमिका। पार्टी कार्यकर्ताओं के मनमुटाव और नाराजगी दूर करने पर फोकस। बीजेपी के नाराज नेताओं को कांग्रेस में लाने में भी भूमिका। सिलावट के खिलाफ सोनकर पर दाव लगाने की तैयारी। दत्ती गांव के खिलाफ भंवर सिंह शेखावत को उतारने की कोशिश। प्रभुराम चौधरी के खिलाफ सेजवार परिवार को साधने की रणनीति। हरदीप सिंह डंग के खिलाफ राधेश्याम पाटीदार पर नजर। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को उतारने की तैयारी। गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किल बढ़ाएंगे राजकुमार धनौरा। इमरती देवी के खिलाफ फिर ताल ठोक सकते हैं सुरेश राजे। मुन्नालाल गोयल से मोर्चा ले सकते हैं सतीश शिकरवार। कांग्रेस प्लान बना रही है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चुनने का प्लान बना रही है। भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी दोनों अपने कर्मों से डूब रहे हैं, हम उन्हें उनकी चिंता क्यों करें। तो कांग्रेस पार्टी में